सिद्धांत का 103वां भाग है और हम हैं सूर्य ग्रहणाधिकार में और इस भाग में हम लंबन आनयन लंबन के आनयन से संबंधित आचार्य युक्त श्लोकों पर विचार करेंगे। एकद्यावर्गतश्छेदो लब्धं दुर्गति जीवया मध्यलग्नार्कविश्लेषद्याच्छेदेन विभाजिता रवीन्द्वोर्लम्बनं ज्ञेयं प्राक्पश्चाद्घटिकादिकं मध्यलग्नाधिके भानौ तिथ्यन्तात् प्रविशोधयेत् धनमूने सकृत् कर्म यावत् सर्वं स्थिरी भवेत्। इस नवम श्लोक तक इस भाग में देखेंगे। एकद्यावर्गतश्छेदो लब्धं दुर्गति जीवया एकद्यावर्गतः दुर्गति जीवया लब्धं छेदः। यहाँ आचार्य क्या कहना चाह रहे हैं, एकद्यावर्ग से दुर्गति ज्या से जो लब्ध होगा वह छेद होगा, अर्थात एकराशिद्यावर्गस्य दुर्गति ज्यया संभाजनेन ये लभते। एक राशि की जो ज्या होगी, एक राशि का ज्या का अर्थ है तीस अंशों की ज्या, उसको दुर्गति ज्या से, इसके पिछले भाग में हम देखे थे दुर्क्षेप और दुर्गति का साधन, तो उस दुर्गति के ज्या से भाग देंगे तो ये लभते जो प्राप्त होता है तस्य छेदः इति संज्ञा दत्ता, उसको छेद संज्ञा दिया हुआ है आचार्य ने इति शेषः आचार्य के द्वारा। एकद्यावर्गतश्छेदो लब्धं दुर्गति जीवया। अब आगे क्या कह रहे हैं, मध्यलग्नार्क विश्लेषज्या छेदेन विभाजिता रवीन्द्वोर्लम्बनं ज्ञेयं प्राक्पश्चात् घटिकादिकम्। मध्यलग्नार्क विश्लेषज्या, मध्यलग्नार्क विश्लेषज्या का मतलब मध्यलग्न अर्कयोः अंतरस्य ज्या, मध्यलग्नार्क मध्यलग्न और अर्क का जो विश्लेष है अंतर है, उस अंतर की जो ज्या है उसको क्या करना है, वह छेदेन विभाजिता, वह विभक्त किया गया है, वह मध्यलग्न और सूर्य के अंतर की ज्या छेद के द्वारा विभाजित किया गया, अर्थात मध्यलग्न एवं सूर्य के अंतर ज्या को यदि छेद से भाग देते हैं तो लब्धि क्या होगी, लब्धम रवि इंद्वोह घटिकादिकम प्राग पश्चात लंबनम ज्ञेयम्। जो प्राप्त होता है वही सूर्य और चंद्रमा का घटिकादि लंबन है, वह लंबन होगा वो भी घटी पल इत्यादि प्रमाण में होगा और वह लंबन भी प्राग पश्चात होगा, अर्थात प्राग लंबन और पश्चिम लंबन होगा। ये प्राक होगा या पश्चिम होगा यह निर्णय किसके ऊपर निर्भर होगा, मध्य लग्नार्क विश्लेषज्ञा उस पर निर्भर होगा जो इसी भाग में आगे देखेंगे। तो यहाँ तक ये हो गया लंबन का साधन, मध्य लग्नार्क विश्लेषज्ञा को इसके पहले प्राप्त छेद से यदि भाग दे देते हैं तो लंबन मिल जाएगा। मध्य लग्नार्क विश्लेषज्ञा छेदेन विभाजिता रवीन्द्वोर लंबनम ज्ञेयम प्राक पश्चात घटिकादिकम। अब आचार्य कह रहे हैं इस लंबन का संस्कार कैसे करें, मध्य लग्नाधिके भानौ तिथ्यन्तात् प्रविशोधयेत् धनमूने सकृत् कर्म यावत् सर्वं स्थिरी भवेत्। भानौ मध्य लग्नाधिके तिथ्यंतात् प्रविशोधयेत्, यदि सूर्य मध्य लग्न से अधिक है ज्यादा है तो वो जो तिथ्यंत मान है उस तिथ्यंत मान से इस प्राप्त लंबन को घटा देना है। भानौ मध्य लग्नादूने तिथ्यंते धनम कार्यम, धनम ऊने ये शब्द तो आचार्य श्लोक में दिया ही है, तो उसका अर्थ क्या हुआ, सूर्य के मध्य लग्न से कम होने पर उसको तिथ्यंत में जोड़ देना है, किसको, लंबन को। इदं कर्म असकृत तावत कार्यम यावत सर्वं स्थिरी भवेत्, जब तक सब स्थिर नहीं होता है
यहाँ यावत सर्वम स्थिर भवेत, मैंने उस स्थिति तक कार्य करना है बार बार असकृत कार्य को, अर्थात बारंबार इस लंबन साधन करने का और तुभ्यंत में उसका संस्कार करने की यह प्रक्रिया बार बार करना है। तो बार बार कब तक करना है? तो जब तक स्थिर नहीं हो जाता है, अर्थात एक समय ऐसे आएगा जहां पर लंबन आप जितने बार भी साधन करेंगे वो वही आएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तब तक असकृत कार्य करना है। मध्य लग्नाधिके भानौ तिथ्यंता प्रविशोधयेत धनमूने सकृत कर्म यावत सर्वम स्थिरी भवेत। अब बात यहां पर आई थी एकद्यावर्गतच्छेदो लब्धम दृग्गतिदीवया इत्यादि, जो सूत्र जो श्लोक हम देखे हैं उनके समीकरण को हम बनाए नहीं थे, पहले देखे नहीं थे। तो एक सरलता की दृष्टि से और विषय को सूक्ष्म रूप से मस्तिष्क में रखने के लिए फिर यहाँ पर समीकरण बनाया गया है। एक अध्यावर्ग को दृग्गति जीवा से भाग देने पर जो लब्धि आएगी वही उसी का नाम छेद है। फिर आगे मध्य लग्नार्क विश्लेष अध्या को उस छेद से प्राप्त छेद से भाग दे देते हैं तो लब्धि जो आएगी वह लंबन होगा, और वह लंबन प्राक पश्चात अर्थात प्राग लंबन और पश्चिम लंबन होगा। यहाँ बात आ रही है मध्य लग्नार्क विश्लेष अध्या, मध्य लग्न और सूर्य का अंतर अध्या। तो यहाँ पर मध्य लग्न में से सूर्य भी घट सकता है और सूर्य में से मध्य लग्न भी घट सकता है, जैसे वहां पर संस्कार के समय में बताए ही थे मध्य लग्न से सूर्य अधिक हो तो घटा देना है करके। तो यहां पर यदि मध्य लग्न में से सूर्य को घटाने की स्थिति आई तो उस समय में क्या होगा? प्राग लंबन होगा, और वही सूर्य में से मध्य लग्न यदि घटाया जाता है तो फिर वहां पर पश्चिम लंबन पश्चाल लंबन अर्थात पश्चिम दिशा की लंबन आती हैं। यह आचार्य स्पष्ट कर रहे हैं, उसी श्लोक में ही स्पष्ट था, उसको और सरल और सूक्ष्म वह हो सकता है इसलिए समीकरण में दिखाया गया था। अब मध्य लग्नाधिके भानो तिथ्यंता प्रविशोधे, तो वो भी वैसे ही है। यदि सूर्य मध्य लग्न से अधिक है तब प्राप्त लंबन को तिथ्यांश में से घटा देना है, और यदि सूर्य मध्य लग्न से अल्प है छोटा है तो उस स्थिति में तिथ्यंत में लंबन को जोड़ देना है। यही बात यहाँ इस नवम श्लोक में आया है। फिर मिलते हैं अगले भाग में।